नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे थे। स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी तक तो अपन ने केवल 20% हिस्सा इसका कंप्लीट किया है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटिव स्पीड वाले प्रश्न आते हैं, और वो भी देखो उस टाइप से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ट्रेन इसमें अपने को पढ़नी पड़ेगी, रेस दौड़ वाले प्रश्न पढ़ने पड़ेंगे, और देखो वो बंदर वाले क्वेश्चन आते हैं, जो एक पेड़ पे बंदर चढ़ता है तो बताओ कितने मिनट में चढ़ जाएगा, कितने सेकंड में उतर जाएगा, वो वाले प्रश्न भी अपन इस चैप्टर में करेंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, तो देखो इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन पूरा समाप्त करेंगे इसको। जितनी भी टाइपें हो सकती है उतनी टाइपें करेंगे। जैसे क्वेश्चन घूम के आ सकता है एग्जाम में, या लैंग्वेज किस प्रकार से आ सकती है एग्जाम में, तो मेरा पर्पज यही रहता है कि सभी टाइपें आपको अच्छे से बताई जाए और उनमें अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन करवाए जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन की लैंग्वेज घूम के आ सकती है। तो देखो जो पीछे टाइपें पड़ी थी उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने सीधी, जो पीछे वाली टाइप थी उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इसको इस ट्रिक से करना है, क्योंकि अपने को कुल मिला के एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। टाइम अपने लिए इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी देखो SSC में तो 100 क्वेश्चन 60 मिनट में उड़ाने होते हैं। उनमें अपने को रीजनिंग भी उठानी होती है, मैथ्स भी करनी होती है, इंग्लिश GK, तो कुल मिला के टाइम मैनेज करना है। मैथ्स सबको आती है, लेकिन आगे वही निकलता है जो टाइम बचाता है। तो वही तरीके से उसी तरीके से देखो नेक्स्ट टाइप करेंगे अपन। आगे नेक्स्ट टाइप में भी जो प्रश्न में टाइम कैसे बचा सकते हैं, इसको किस तरीके से शॉर्ट वे में सोल्व कर सकते हैं, वो तरीके बताऊंगा मैं। और जो ये अब टाइप करने जा रहे हैं अपन, इस टाइप का भी शॉर्ट तरीका बताऊंगा, हालांकि बेसिक भी बताऊंगा कि बेसिक तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। हो सकता है कभी अपने दिमाग से निकल जाए जो शॉर्ट तरीका है, वो निकल जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन को अपने को करना है, तो अपने बेसिक मेथड ही वहाँ पे काम आता है। बेसिक मेथड से ही फिर अपन क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। तो पहले मैं बेसिक बताऊंगा इस वाली टाइप का, और उसके बाद में इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से उड़ा सकते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन इस वाली टाइप से करेंगे। तो देखो नेक्स्ट टाइप चल रही है अपनी, नेक्स्ट टाइप है, और कृपया जहाँ पर टाइप चेंज होती है वहाँ पर नेक्स्ट लिख लिया करो। इससे अपने को अंदाज़ा हो जाएगा कि जब भी अपन नोट्स रिवाइज करेंगे तब अपने को ये पता रहेगा कि यहाँ से अलग पैटर्न स्टार्ट हो गया है। तो उस प्रकार से नोट्स बनाने अपने को जो समझ में आए। पल्लव क्वेश्चन में आपको बोल के सुना रहा हूँ, उसके बाद में पहला क्वेश्चन में बोर्ड पे पूरी डिटेल से लिखूंगा, उसके बाद में शॉर्ट वे में क्वेश्चन लिखेंगे और सीधा ट्रिक से उड़ाएंगे। पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में पल्लव को 8 घंटे लगते हैं, उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। प्रश्न देखो, पल्लव प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। पैदल चलता है 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई?
प्रश्न ध्यान से सुन लेना, ये पहला प्रश्न है इस टाइप से जो पूरा मैं डिटेल से बोर्ड पे लिख रहा हूँ। इसके बाद में अपन डिटेल से नहीं लिखेंगे, शॉर्ट वे में क्वेश्चन करेंगे। केवल मैं बोल के आपको क्वेश्चनों को सुनाऊंगा, उसमें आप अपने नोट्स बना लेना है। लेकिन पहला क्वेश्चन पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि ये अलग पैटर्न स्टार्ट हो गया है। इससे 5-7 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में पहले बेसिक करेंगे, उसके बाद में मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको किस प्रकार से शॉर्ट तरीके से करना है इनको। पल्ला वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेता है, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। प्रश्न समझ में आ गया, 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, उसमें साइकिल से भी तय कर रहा है और पैदल भी तय कर रहा है। साइकिल की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, पैदल की चाल उसकी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो टोटल समय 8 घंटे लग रहा है, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई। हो सकता है कितने घंटे पैदल चला, ये भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, दोनों में से या तो साइकिल वाला पूछ सकता है या पैदल वाला पूछ सकता है। यहाँ पे साइकिल वाला पूछा है अपने कितने घंटे साइकिल चलाई। तो देखो सबसे बेसिक तरीका, सबसे पहले बेसिक तरीका करेंगे अपन। माना कि x किलोमीटर साइकिल चलाई, माना कि x किलोमीटर साइकिल चलाई। यदि x किलोमीटर साइकिल चला रहा है तो यहाँ पे x किलोमीटर की दूरी साइकिल से जा रहा है, तो उसकी साइकिल से चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इतना समय लेगा 45 किलोमीटर टोटल चलना है, उसमें से x किलोमीटर वो चल गया और ये बाकी दूरी वह पैदल चल के तय करता है, तो यहाँ से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, तो 45 माइनस एक्स में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का भाग लगा देंगे, तो यहाँ से दोनों से कुल मिला के समय 8 घंटे ले रहा है। प्रश्न समझ में आ रहा है, माना कि x किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो इसमें उसकी साइकिल से जो गति है उसका भाग लगा देंगे, तो यहाँ से टाइम आ गया और 45 टोटल दूरी थी, उसमें x तो चल गया, तो 45 माइनस एक्स दूरी बच गई, उसको पैदल तय करेगा, तो यहाँ दोनों से कुल मिला के समय उसको 8 घंटे लग रहे हैं। यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 7, 14, 84 एलसीएम हो गया इसका। यहाँ से 7x हो जाएगा प्लस यहाँ से 24 को 45 से गुना करेंगे तो 0, 1080 यहाँ से हो जाएगा माइनस 24x, बराबर 8 घंटे। ये बेसिक से बता रहा हूँ, इस तरीके से नहीं करना है अपने को, केवल बेसिक तरीका आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को बेसिक तरीके से करते हैं। तो यहाँ से ये 17x माइनस का 17x और ये प्लस का 1080, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32, 67, 672 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 17x हो गया अपने पास और ये इधर आके लेस हो जाएगा, तो ये 1000 में से 600 हो गया, 480 में से 72 गया 8, तो ये 408 हो गया अपने पास, माइनस का 408 हो गया, क्योंकि ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 672 में से 1080 गया, तो माइनस का 408 बच गया अपने पास। अब यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, 24। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 24। एक्स की वैल्यू अपने पास 24 आ गई, इसका मतलब साइकिल द्वारा तय की गई दूरी आ गई, कितनी आई 24 किलोमीटर। तो साइकिल द्वारा समय यहाँ से निकाल लेंगे अपन, 24 में साइकिल की चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भाग लगा देंगे तो 2 घंटा समय आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्रश्न, देखो ध्यान से समझो। पल्लव 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है,
45 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे का समय लेता है, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाई? माना कि एक्स किलोमीटर साइकिल चलाई उसने, तो यहाँ से एक्स में 12 का भाग लगा देंगे तो इतना समय ले लेगा साइकिल द्वारा, प्लस दूरी 45 किलोमीटर थी, 45 माइनस एक्स कर दिया अपन ने, इसमें 3.5 का भाग लगा देंगे पैदल द्वारा, तो यहाँ से इतना समय लेगा। ये दोनों समय क्वेश्चन में 8 घंटे दे रखा है अपने को, तो इस समय और इस समय के बराबर अपन ने 8 घंटा रख दिया, दोनों का जोड़ 8 घंटे दे रखा है। तो यहाँ से एलसीएम 84 हो गया अपना, यहाँ से 7x होगा, यहाँ से 1080 माइनस 24x हो गया, ये 8 घंटे के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से 17x की वैल्यू 408 आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू 24 आ गई। एक्स क्या माना था अपन ने? साइकिल द्वारा तय की गई दूरी मानी थी अपन ने, तो साइकिल की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 24 किलोमीटर जाने में 2 घंटे का समय ले लेगा वो, और यही अपने से पूछा है कि कितने घंटे साइकिल चलाई उसने, 2 घंटे साइकिल चलाई है। और यदि अपने से पूछता कि कितने घंटे पैदल चला है, तो 2 घंटे साइकिल चला ली, टोटल 8 घंटे का टाइम था, तो 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 घंटे पैदल चला है वो, ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से अपने को नहीं करना है, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, रेड पेन से शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक को ही यूज में लेना है और उनसे ही क्वेश्चन करने हैं अपने को। तो यहां से देखो शॉर्ट, शॉर्ट ट्रिक कैसे करना है? अपन ने मान लिया कि, माना कि वह पूरे समय ही पैदल चलता है, हालांकि आप मानने में, तो देखो अपने को साइकिल वाला पूछा है तो पैदल वाले से करना है, और यदि पैदल वाला पूछता तो साइकिल वाले से कर लेते, दो चार क्वेश्चन करेंगे, ट्रिक पहले मैं बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे साइकिल वाला पूछा है, तो अपन किससे करेंगे? पैदल से, कि माना कि वह पूरे घंटे पैदल चलता है, दिख रहा है ना रेड पेन आपको, पूरे घंटे पैदल चलता है, चलो ब्लैक से ही कर लेते हैं, हो सकता आपको दिखे ना, ये तो अपने पीछे वाला बेसिक सॉल्यूशन हो गया था। यहाँ से शॉर्ट ट्रिक कर रहे हैं कि माना कि पूरे घंटे पैदल चलता है, तो वहाँ से देखो पैदल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा करना है, पैदल उसकी चाल है 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 घंटे पूरे पैदल चल रहा है वो, तो यहाँ से देखो ये 40 04 28 किलोमीटर, तो यहां से दूरी कितनी तय करेगा? 28 किलोमीटर, पूरे 8 घंटे उसको पैदल चला दिया अपन ने, तब वह दूरी तय कर रहा है 28 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि 45 किलोमीटर टोटल दूरी तय करनी थी, उसमें से केवल 28 किलोमीटर दूरी तय करेगा वो जब पूरे घंटे पैदल चलेगा, तो इसका मतलब कितनी दूरी कम तय कर रहा है? 17 किलोमीटर की दूरी कम तय कर रहे, 45 में से 28 घटा देंगे तो 17 किलोमीटर की दूरी तय कम कर रहा है। ये दूरी कम क्यों तय कर रहा है? क्योंकि अपन ने साइकिल की चाल को घटा के 3.5 किलोमीटर कर दिया, वास्तव में साइकिल की चाल कितनी थी? 12 किलोमीटर थी, और अपन ने उसको घटा के 3.5 ही कर दिया, तो कितनी कम कर दी अपन ने? 8.5 किलोमीटर उसकी चाल कम कर दी, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल कम कर दी, इसकी वजह से ये 17 है, तो 8.5 किलोमीटर की चाल से 17 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेगा? तो यहाँ से 17/8 कर देंगे, साइकिल का टाइम आ जाएगा ही, साइकिल का टाइम आ जाएगा, तो यहाँ से 2 घंटे अपना राइट आंसर होगा। इस तरीके से अपने को क्वेश्चन को उड़ाना है। हो सकता है इस वाले प्रश्न में आपको ये समझ में नहीं आई, वीडियो को दोबारा से देखना है और इस वाली ट्रिक को आसानी से समझना है, इससे शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। देखो ये तो लिखने में इतना लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो आगे क्वेश्चन उड़ाएंगे उसमें इतना भी नहीं लिखेंगे, उसमें तो सीधा उड़ाएंगे प्रश्नों को। शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई? अपन ने क्या बनाई शॉर्ट ट्रिक? यदि अपने को साइकिल वाला पूछता है तो पैदल से करेंगे, पैदल वाला पूछता है तो साइकिल से करेंगे, कि माना कि पूरे घंटे वो किस पैदल चलता है, क्योंकि साइकिल वाला पूछा है तो पैदल लेना पड़ेगा अपने को, तो पूरे घंटे 8 घंटे, पूरे घंटे पैदल चला दिया, पैदल में उसकी चाल थी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ से कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा? 28 किलोमीटर, लेकिन दूरी तो 45 किलोमीटर है, तो इसका मतलब 45
45 में से 28 घटा देंगे, 17 किलोमीटर कम हो गई उसकी दूरी। किस वजह से? क्योंकि अपन ने साइकिल की चाल 12.5 किलोमीटर थी, उसको घटा के कितनी कर दी, 3.5 किलोमीटर ही कर दिया। इसका मतलब 8.5 उसकी चाल को घटा दिया अपन ने, इसकी वजह से ये 17 का अंतर आया दूरी में। तो 8.5 से 17 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय कर लेगा, और यही अपने साइकिल वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने को क्वेश्चनों को उड़ाना है, इस मेथड से नहीं करना है। इस मेथड से करोगे तो टाइम टेकिंग होगा, कम से कम 1.5-2 मिनट खा जाएगा क्वेश्चन, और फिर भी देखो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कंफर्म नहीं हो सकते अपन की आंसर अपना सही होगा। लेकिन इस वाली ट्रिक से गारंटी के साथ अपना आंसर सही हो जाएगा। और इस वाली टाइप के लिए, हर एक प्रश्न के लिए, इस वाली टाइप में ही नहीं, मैथमेटिक्स के कई ऐसे चैप्टर है जैसे चक्रवर्ती ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, उसमें भी इस वाली ट्रिक का प्रयोग करूँगा मैं। प्रतिशत में भी इस वाली ट्रिक का प्रयोग करूँगा मैं, मतलब अर्थमेटिक के ज़्यादातर चैप्टरों में, ज़्यादातर टाइपों में इस वाली ट्रिक से अपन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखो ये प्रश्न अपने को इसी तरीके से करना है, ये बेसिक प्रश्न था। इसमें मैंने बताया आपको कि यदि अपने को साइकिल का पूछा है तो अपन पैदल से करेंगे, और पैदल का पूछा है तो किससे करेंगे, साइकिल से करेंगे। पहले बेसिक मेथड से किया है अपन ने, बेसिक मेथड से 2 घंटे आंसर, और शॉर्ट ट्रिक से 2 घंटे आंसर अपने। इस प्रकार से अपने को क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दूं, समझ में आया सभी को? नेक्स्ट टाइप चल रही है, आज इस टाइप को ख़त्म करेंगे अपन। 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा ही होंगे, 5-7 क्वेश्चन होंगे इस टाइप से, वो पूरे क्वेश्चन करेंगे। पहले देखो प्रश्न समझने में अपने को टाइम लगता है, आगे वाले क्वेश्चनों को अपन जल्दी जल्दी निपटाएंगे, क्योंकि ये पहला प्रश्न समझाने में इसको बेसिक से किया अपन ने और फिर शॉर्ट ट्रिक से किया, इसमें टाइम लग गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 170 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय करता है। 170 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय करता है, 2 घंटों में तय करता है, 170 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की चाल से, रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष दूरी बस से, शेष दूरी बस से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बताओ, तो बस द्वारा तय की गई दूरी बतानी है, की गई दूरी ये अपने को बताना है। प्रश्न को अपन ने बिल्कुल शॉर्ट में लिख लिया है, 170 किलोमीटर की दूरी 2 घंटों में तय कर रहा है, उसमें से कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कर रहा है, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष दूरी बस द्वारा कर रहा है, उसकी चाल दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस द्वारा तय की गई दूरी पूछी है अपने से, समय भी पूछ सकता है, दूरी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है प्रश्न में। अपना तरीका जो शॉर्ट तरीके से करेंगे अपन वही रहेगा, बेसिक मेथड से इसको नहीं करेंगे। यदि कोई बच्चा बेसिक मेथड से करना चाहता है तो उसमें रेलगाड़ी की दूरी एक्स मान लेना, उसमें 100 का भाग लगा देना, फिर 170 माइनस एक्स बस की हो जाएगी, उसमें 50 का भाग लगा देंगे, ये 2 घंटे को बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से अपन बेसिक मेथड से करेंगे, लेकिन अपन तो अपने वाले तरीके से करेंगे। अपने से पूछा क्या है, बस द्वारा तय की गई दूरी पूछी है अपने से, बस द्वारा तय की गई दूरी पूछी है अपने से, तो अपन किससे करेंगे, रेलगाड़ी से करेंगे, कि माना कि 2 घंटे रेलगाड़ी से चलता है, वो पूरे 2 घंटे किससे चलता है, रेलगाड़ी से। पूरा समय रेलगाड़ी से चला, यदि पूरा समय रेलगाड़ी से चला तो रेलगाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 2 घंटा पूरा समय लिया उसने, तो 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेनी चाहिए, 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लेनी चाहिए। लेकिन दूरी
लेकिन दूरी 170 किलोमीटर की जानी है, तो 30 किलोमीटर क्या हो गया, ज़्यादा चल गया। 30 किलोमीटर क्या हो गया, ज़्यादा चल गया। ये ज़्यादा क्यों चला यही पता होना चाहिए अपने को, ज़्यादा क्यों चला, क्योंकि बस की चाल तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही थी, जबरन से अपन ने उसको 200 किलोमीटर प्रति घंटा बना दिया, इसकी वजह से ये 30 का अंतर आ गया। बस की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बस के समय में भी अपन ने 100 किलोमीटर की चाल से चला दिया इसको, इसकी वजह से 30 किलोमीटर ज़्यादा चल गया। इसका मतलब क्या हुआ, अपन ने इसकी चाल कितनी ज़्यादा ले ली, इसकी चाल अपन ने ज़्यादा ले ली 50, क्योंकि 100 ले ली, वास्तव में 50 ही थे। इसका मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल क्या ले ली अपन ने, ज़्यादा ले ली, ज़्यादा ले लिया। बस की चाल को कितना ज़्यादा ले लिया, बस की चाल को 50 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा ले लिया, जिसकी वजह से 30 किलोमीटर का अंतर आ गया। इसका मतलब क्या है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और अपने को 50, ये बस वाला ही निकालना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे वाला ही निकालना है, और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 50, क्योंकि 50 किलोमीटर से कितनी दूरी तय करेगा, 50, 100 बना लिया अपन ने, 50 किलोमीटर ज़्यादा ले लिया, इसका मतलब 50 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है वो, और यही बतानी है अपने को, 50 से ही बतानी है, और 50 से ही क्वेश्चन में आ रहा है अपना, मतलब अपना आंसर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, उड़ाएंगे क्वेश्चनों को, एक भी क्वेश्चंस नहीं रहना चाहिए अपना। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तय करता है, 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तय कर रहा है, वह कुछ दूरी ट्रेन से 45 किलोमीटर, रेलगाड़ी से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी को बस से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा दूरी बतानी है, ये प्रश्न हो गया अपना। प्रश्न क्या बोल रहा है, 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तय करता है, रेलगाड़ी कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी बस द्वारा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बतानी है अपने को, समय भी पूछ सकता है, दूरी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है प्रश्न में। अपने से बस द्वारा दूरी पूछी है तो अपन किससे करेंगे, रेलगाड़ी से करेंगे, कि माना कि पूरे समय, माना कि पूरे समय, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, माना कि पूरे समय रेलगाड़ी से चला, माना कि पूरा समय रेलगाड़ी से चला, तो पूरा समय रेलगाड़ी से चलेगा, तो रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 3 घंटा इसको चलाना है, इसका मतलब 135 किलोमीटर चल जाएगा ये। लेकिन अपने को दूरी कितनी दे रखी है, 80 किलोमीटर, कितनी ज़्यादा चल गया, पचपन किलोमीटर की दूरी ज़्यादा हो गई, 55 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा हो गई, समझ में आ रहा है प्रश्न। माना कि पूरे समय रेलगाड़ी से चला, यदि पूरे समय रेलगाड़ी से चलाते हैं, रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3 घंटे चल रहा है, तो 135 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, लेकिन अपने को तो जाना 80 किलोमीटर ही है, इसका मतलब 55 किलोमीटर ज़्यादा चल गया। ये क्यों ज़्यादा चला, क्योंकि बस की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे थी,
और इसको जबरन से बढ़ा के अपन ने कितना कर दिया, 45 कर दिया। 20 को बढ़ा के कितना कर दिया, 20 को बढ़ा के अपन ने 45 कर दिया। इसका मतलब कितना ज़्यादा खींच लिया अपन ने, ज़्यादा खींच लिया इसका, कितनी है 20, ये ठीक है। तो यहां से देखो अपन ने इसकी चाल को ज्यादा ले लिया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा ले लिया। इसकी वजह से 55 किलोमीटर ज्यादा चल गया, मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटे से 55 किलोमीटर जाता है। तो 20 का ही निकालना अपने को, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, क्योंकि बस से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, तो 20 किलोमीटर से कितना जाएगा, 20 किलोमीटर से चला जाएगा 44। 25, 50, 25, 11, 55, तो 55/25 × 20, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 5 बार में, ये 11, तो 44 आंसर हो जाएगा अपना, 44 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। यदि समय पूछता है अपने से कि बस द्वारा कितना समय लेगा, तो 44 में 20 का भाग लगा देंगे। तो इस प्रकार से अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इस टाइप को निपटाएंगे अपन, इस टाइप को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। अपने बेसिक मेथड से तो टाइम लगेगा, इस मेथड से टाइम नहीं लगेगा। ये आपको समझाने के लिए इतनी स्टेप्स लिख रहा हूँ, वरना देखो अपन सीधे करते कि 45 किलोमीटर से 3 घंटा चलाना है इसको, तो 135 चलेगा, कितना ज़्यादा चल गया, 80 चलना था, 135 चल गया, 55 ज़्यादा चल गया। देखो वर्बली क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कि 45 से चलाना है, 3 घंटे चलाना है, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 135 दूरी होनी चाहिए अपनी। लेकिन क्वेश्चन में तो 80 चलाना है, इसका मतलब 55 ज़्यादा चल गया। ये ज़्यादा क्यों चला, क्योंकि इसको 20 से बढ़ा के 45 कर दिया, मतलब 25 से 55 चलता है, तो 20 से 44 चलेगा। वर्बली क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो इसको मिटा देते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। और इस वाली टाइप से भी भरपूर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको SSCCGL में, NTPC में, रेलवे NTPC में, इनमें बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस वाली टाइप से। और इस वाली टाइप को अपन जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो। बेसिक भी मैंने बता दिया है और शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बता दी है, जो आपको टाइम बचाने वाला लगे उससे अपने को इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। एक व्यक्ति 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में तय करता है। दूरी दे रखी है 285 किलोमीटर, 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में तय करता है। 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में तय करता है। कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बस की चाल दे रखी है, बस की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ दूरी बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और शेष दूरी ट्रेन से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी ट्रेन से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष दूरी ट्रेन से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो बस से तय की गई दूरी बताओ, बस से तय की गई दूरी। बस से तय की गई दूरी बतानी है अपने को। 285 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में तय करता है। कुछ दूरी बस से, बस की चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ दूरी ट्रेन से, ट्रेन की चाल दे रखी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस से तय की गई दूरी अपने को बतानी है, बस से तय की गई दूरी अपने को बतानी है। तो अपन प्रश्न को ट्रेन से सोल्व करेंगे, मानना कि पूरी दूरी किससे तय करता है, ट्रेन से, ट्रेन की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और 6 घंटे उसको चलाना है। तो ये 330 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा वो। लेकिन दूरी कितनी दे रखी है, दूरी 285 दे रखी है, कितनी ज़्यादा चल गई दूरी, कितनी ज़्यादा हो गई अपनी दूरी, यहाँ से 15 और 30 45 हो गई ना, 45 किलोमीटर ज़्यादा चल गया।
ज़्यादा क्यों चला? क्योंकि बस की चाल 40 थी, उसको बढ़ा के 55 कर लिया अपन ने। बस की चाल को बढ़ा दिया, 55 कर लिया। कितनी ज़्यादा ले लिया बस की चाल को अपन ने? 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा ले लिया। बस की चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा ले लिया, इसका मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर की दूरी चलती है। तो अपने को किससे निकालना है? 40 से निकालना है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना चलेगी? क्योंकि बस की कितनी है? बस की 40 ही तो है, और बस ही की पूछा है अपने से। ये जो निकल के आएगी, ये बस की निकल के आएगी। क्वेश्चन में अपने से बस की पूछ रहा है, तो अपने को ट्रेन से सोल्व करना है। और ये जो निकल के आएगा, ये ज़्यादा क्यों चला? क्योंकि बस को अपन ने 40 से 55 ले लिए, 15 किलोमीटर ज़्यादा आंक लिया अपन ने। किसकी? बस की चाल को। इसलिए 45 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि बस यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती, तो इतनी दूरी तो 40 से निकालनी है अपने को। 15 से 45, तो 40 से 45/15 मल्टीप्लाई 40, तो यहाँ से ये कट गया 3 बार में, और ये हो गया 120 किलोमीटर। 3 बार में कट गया ना, ये 120 किलोमीटर। यही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत अच्छा प्रश्न था, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाली टाइप है। और इस टाइप से लगभग 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। इससे आगे वाली टाइप आगे वाली वीडियो में आपको बताई जाएगी। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैंने बताया, इच्छा आपकी है। आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से कर लो, इस वाले मेथड से करना चाहते हो। मेरे को तो ये वाला मेथड अच्छा लगा, क्योंकि इसमें टाइम भी अच्छा कम लगेगा और प्रश्न का उत्तर भी अपने सटीक निकल के आएगा। तो आपको इसी तरीके से अपने को क्वेश्चन को इस वाली टाइप को सोल्व करना है। यदि फिर भी कोई किसी बच्चे के समझ में नहीं आता है, तो एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके देखो वीडियो को, और टाइप को सोल्व करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस बार बार करो। और यदि नहीं समझ में आता है ये मेथड, तो बेसिक मेथड से आप कर सकते हो। पहले क्वेश्चन को मैंने बेसिक मेथड से समझाया कि किस प्रकार से बेसिक मेथड से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, और फिर इस वाली टाइप से मैंने आपको, टाइप्स क्या है ये, एक तरीके से मेथड ही मान सकते हो आप। इस मेथड से भी अपन क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने बताया कि ऐसी हर चैप्टर में एक दो टाइप ऐसी आएगी जिनमें ये मेथड लगाएंगे अपन, और इसी मेथड से प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सीख जाओ तो बहुत अच्छा है, और नहीं सीखते हो तो आगे वाले चैप्टरों में आपको सिखा देंगे, लेकिन सिखा के छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे चैप्टर से। ये वाली टाइप यहाँ पे ख़त्म होती है, इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।